اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم इ नक हमदम हमारे प्यारे हका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वम की इर्शादात जिनको अहादीस कहा जाता है इसका दर्श जारी है अहादीस में बहुत गहरे दकीक और इल्मी मजामीन भी बयान हुए हैं और इसके अलावा ऐसी नसाई भी इनमें मिलती हैं हम जो हमारी रोज़मर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं दरस हदीस का एक फ़ायदा ये भी है कि इलम में इजाफ़े के अलावा हमें ऐसे अखलाक और आदात का भी इलम मिलता है जो हमें हमेशा अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में मलहूज़ रखना चाहिए इस सवाले से आज से दर्स में ऐसे ऐसी बात जहादीस का भी जिक्र आएगा जो माहौल के लिहाज से या आदाब मजालस के लिहाज से या मुख्तफ तरबियती अमूर से ताल्लुक़ रखती हैं ये पहली हदीस जो मैं बयान करने लगा हूँ ये आदब मजलिस और सोबत सालेन के हवाले से है इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमा मसलॉल जलीस लह व जलीस का हामिलमिस के व नाफिल की रहे इसका आगे अल्फाज चलते हैं फ़ामिलमिस केसाह इमा युहदिया का फिम्म तब मिन अमिन हो फिमा अं मिन अमिन हो रियन तयबन व नाफ़ुल्किर इमा युहर का श्याबा का वहीम अंतज अमिन हो रिहन मुनतासन ये हदीस मुस्लिम शरीफ की किताब से ली गई है जो हदीस की मरूफ़ किताब है सियासत में दूसरे नंबर पर आती है इस हदीस का तर्जमा इस तरह पर है कि हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी तन बयान करते हैं क्या हजरत वसल्लम ने फरमाया कि लोगों याद रखो कि नेक साथी और बुरे साथी की मिसाल अगर तुम जानना चाहो तो ये दो शख्सों की तरह है जिनमें से एक कस्तूरी उठाए हुए है एक बड़ी खुशबूदार चीज़ उठाए हुए है और दूसरा वो है जो भट्टी झोंकने वाला है जो जलती हुई आग में उसको हवा देता है ताकि भट्टी में आग जलती रहे फिर आपने इन दो मिसालों की वजाहत फरमाई और फरमाया कि खुशबूदार चीज़ को उठाने वाला यानी कस्तूरी को उठाने वाला तो इस रंग में बहुत अच्छा है कि या तो वो तुम्हें कोई चीज़ मुफ़्त इनाम दे देगा तोहफा दे देगा और और तू उससे उसको ख़रीद लेगा या उससे तू उससे ख़रीद ले लेगा वरना कम से कम इतना तो होगा तो उस खुशबूदार चीज़ की खुशबू और महक को उसको तो तुम ज़रूर सूंघने के काबिल हो जाओगे और उसके मुकाबले पर बुरे साथी बुरे जलीस की मिसाल ये है कि भट्टी में झोंकने वाला यानी भट्टी को हवा देने वाला शख़्स जो उस जगह बैठा है जहाँ आग जल रही है वो या तो तेरे कपड़ों को जला देगा और या उसका बदबूदार धुआँ तुझे तंग करेगा तो ये दो ऐसी मिसालें हैं जो बड़ी आसान फहम है और हर शख्स इस मिसालों को देख कर बड़ी अच्छी तरह उस मजमून को समझ आता है कि इस्लामी तालीम यह है कि इंसान हमेशा पाक और नेक सोबत में रहे अच्छी जगह पर रहे अच्छे दोस्तों में उठना बैठना हो लेकिन अगर इसके बरक्स बुरे दोस्तों के साथ बैठना उठना हो उनमें खला मला हो बुरी जगहों पर जाए जहाँ बुराई की बातें की जाती हैं तो उस सूरत में इंसान के भी इंसान के अंदर भी उसी किस्म की बुराइयाँ गैर मुफीद बातें शामिल हो जाती हैं तो ये बड़ी अच्छी मिसाल है तो याद रखनी चाहिए और इसलिए कि आम तौर पर देखा जाता है कि लोग जब नहाते हैं कपड़े बदलते हैं तो उसके बाद खुशबू लगाते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा वजूद ऐसा हो जिससे लोग तंग ना आए बल्कि उसको अच्छा समझें खुशगवार समझें और इसके लिए परफ्यूम या खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है और अगर किसी इंसान के कपड़ों से बदबू आती हो उसने सफ़ाई का एहतमाम ना किया हो या वैसे ही गंद में मिले हुए कपड़े और गंदे कपड़े पहने हुए हों तो उस सूरत में ये मिसाल आती है कि वहाँ बैठकर इंसान को एक कदूरत महसूस होती है तबीयत में इनके पैदा होता है कि मैं कैसी जगह पर आ गया हूँ जिसमें मुझे बदबू मिल रही है ये दो मिसालें हैं याद रखने वाली जिससे पता लगता है कि हमें अपनी मजलिस कैसी इंतखब करनी चाहिए अच्छी भी होती है बुरी भी होती है इंतखब करना एक इंसान की फरासत और अक्लमंदी पर मुनसर है दूसरी हदीस को लेते हैं जिस हदीस का तर्जमा इस तरह पर है कि रसूल पाक सलील वसम के बारे में हज़रत अब सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तुयान करते हैं कि मैंने रसूल ख़ुदा सल्हुहम को ये फरमाते हुए सुना कि बेहतरीन मजालस वो हैं जो कुशादा और फराख हों और लोग खुल कर उनमें बैठ सकें इसमें आपने अच्छी मिसाल मजालस की एक और मिसाल दी है और निशानी बताई है कि हमेशा इंसान को जहाँ पर वो बैठता है उठता बैठता है दोस्तों की मजलसियाँ होती हैं या किसी लिहाज से इज्तम होता है ऐसी मजालस होनी चाहिए जो कुशादा और फ़राख हो अगर तंग सी जगह पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कोई हो सकता है ऐसा आदमी हो जिसके कपड़ों से बदबू आती हो उसके मुंह से बदबू आती हो या उसके जिसम से बदबू आती हो तो इस सूरत में एक बदबूदार शख़्स का या एक बदबूदार चीज़ का किसी मजलिस में आना सारे लोगों के लिए तकलीफ़ का मूझ होता है तो इस्लाम नफासत पसंदी का मजहब है इंसान अच्छाई को पसंद करता है और सफाई की बड़ी तरगीब भी दी जाती है इसलिए फरमाया कि मजालस वो बेहतर हैं जो कुशादा हों फ्राक हों खुली जगह पर लोग आराम से बैठे हों और खुल कर वहाँ पर बैठें और किसी का बैठना दूसरे के लिए हरगज़ किसी किस्म के तकलीफ़ का मुझे ना हो तीसरी हदीस को देखते हैं ये हजरत इतनी उम्र रजी अल्लाह त बयान करता है वो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से मौके पर फरमाया ये आदाब मजलिस के सिलसिले में ख़ास तौर पर याद रखने वाली हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगो तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे की जगह उसकी जगह पर इस गरज़ से ना उसको उठाए कि ता वो खुद उसकी जगह पर बैठे हो मुराद यह है कि मजलिस तंग होती है तो लोग बाहर से आते हैं तो वो वह का दूसरे को उठाना चाहते हैं एक तरीक यह है कि आने वाले के लिए जगह बनाई जाए सिमट जाए यह तो बेहतर अच्छी चीज़ है लेकिन बाज़ा तो होता है कि लोग ना पसंद करते हैं कि मैं फलां के साथ बैठूँ या फलां तंग सी जगह में घुस कर बैठूँ तो वो कहता है कि उठ जाए तो उस चीज़ को अगर उस इस गर्ज से कोई दूसरे को उठाए और ख़ुद उसकी जगह बैठे तो ये चीज़ बहुत ही नापसंदीदा को बात है आपने फ़रमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्शाद का तर्जमा यह है कि वतह कल से काम लो और खुल कर बैठो और देखें साहब कराम की आदत ये थी कि हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसाई पर अमल करते थे जो बात रसूल पाक सल्ल वसलम के ज़ुबान मुबारक से निकलती आप उसको सुनते सहाबा उनको सुनते और उन पर हमेशा अमल किया करते थे तो आप इस मौके पर देखें मिसाल हज़रत इब्ने उमर रजी ला तनों की है वो बताया गया है इस हदीस के अगले हिस्से में कि इस बात और इस नसीहत को सुनने के बाद हज़रत इब्ने उमर रजी लनों का तरीक़ हमेशा से यह था कि जब भी कोई आदमी आपको जगह देने के लिए अपनी जगह से उठता तो आप उसकी जगह पर ना बैठते तो ये भी एक अच्छी मिसाल है कि इंसान दूसरे के लिए तो जगह पैदा करे लेकिन अगर दूसरा शख्स ये महसूस करे कि मेरे बैठने से दूसरों के लिए तंगी पैदा होगी और दिक्कत का मूजब होगा या वो इस बात को नापसंद करेंगे कि एक बाहर से आने वाला आदमी दो आदमियों के या तीन आदमियों के दरमियान घुस अपनी जगह बना ले हो जाता है मजा इसमें बेहतियाती के कई पहलू हो जाते हैं तो देखें हज़रत इबन उम्र रजिए तनों का क्या शानदार शानदार तरीक था कि वो कहा जाता है कि जब कोई आदमी वो कहते हैं कि आपको जगह देने के लिए अपनी जगह से उठता तो आप उसकी जगह पर ना बैठते थे तो आज के दरस हदीस में जो चंद बातें ज़िक्र की गई हैं ये मजालस के आदाब के हवाले से हैं लेकिन देखें कि कितनी मुफीद और बबरकत नशाएँ हैं और यही हमत और बरकत है कि हम अल्लाह ताली के फल से अहदीस का मुताे भी करते हैं उसका दर्श भी देते हैं दर्स भी सुनते हैं तो सबसे बड़ी बरकत यह है कि इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद उस पर अमल करना चाहिए अल्लाह तला हमें इसकी तोफ़ी किता फ़र्माए अल्ला